हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे आपका स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके साथ क्या डिस्कशन करने वाला हूँ उस चीज़ को पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था वहाँ पर एसएससी सीजीएल 2017 से कट ऑफ से रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बने थे। और उन सारे वीडियो के बावजूद जो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, देखिए कहाँ एग्ज़ाम कब हुआ, एग्ज़ाम का अभी तक मतलब समझिए कि अभी भी प्रोसेसिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी आप सोचिए कि अभी का जो मंथ है वो अगस्त है और अगस्त मंथ में इसका जो टीयर फोर का जो एग्ज़ाम होगा वो शेड्यूल्ड है। कब है वो आपको शेड्यूल्ड है? दिसंबर में। उसके बाद देखिए, एग्ज़ाम कब हुआ? एग्ज़ाम हुआ था आपका फरवरी मंथ में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, फरवरी मंथ से मेंस का एग्जाम हुआ। ये एग्जाम अभी प्रेजेंट में अगस्त है और इसका एग्जाम टीयर फोर का आपका रखा हुआ है दिसंबर। जो जितने भी अभी प्रेजेंट आरटीआई रिप्लाई हो, चाहे वो जितने भी जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आ रहे हैं, उसमें ये दिया गया है कि 2018 के आसपास अगर वेंडर चेंज कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। जो क्योंकि ऑब्वियस बात है कि 8 नवंबर 2018 को तो आपको जितने भी वेंडर से रिलेटेड चीज़ है वो यहाँ पर सॉल्व होंगे और उसके बाद 2018 में जो है वो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस हिसाब से, क्योंकि ये अगर जो यहाँ पर जो टीयर फोर का एग्ज़ाम होगा वो अराउंड आप मान के चलिए कि 20,000 के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा या 10,000 के आसपास होगा, जो भी एग्ज़ाम हो, जितने भी लोग टीयर फोर के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये हो सकता है कि ये आपका शेड्यूल टाइम में होगा। क्योंकि जो पहला डाउट था स्टूडेंट्स के माइंड में, वो डाउट्स क्या था कि क्या जो टीयर फोर का एग्ज़ाम है क्या वो दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम होगा। तो मेरा, अगर आप मुझसे पूछते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरा अपना मानना है कि हाँ, ये एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा। क्योंकि वो सारे वेंडर जो हैं वो 2018 के लिए चेंज हो रहे हैं। एसएससी वाले जो अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए एसएससी ने वेंडर को चेंज कर रहा है, लेकिन जो ये टीयर फोर का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स उस लेवल पर नहीं होंगे जिस लेवल पर पीटी और मेंस के टाइम पे होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि टीयर थ्री के बाद टीयर फोर का प्रोसीजर है। तो ये एग्ज़ाम शेड्यूल टाइम पर होगा, सबसे पहली बात तो यहाँ से आपका निकल के सामने आया। उसके बाद अगर कट ऑफ की मैं बात करूं, अगर कट ऑफ से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स अभी भी कम से कम 10 कमेंट आते हैं, तो एक कमेंट कट ऑफ से ही रिलेटेड आते हैं कि सर आप वापस से कट ऑफ की वीडियो जो आप एक बार बनाए थे वो आपका क्या मतलब, आप वापस से उस वीडियो को बनाइए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, लास्ट ईयर 2016 का जो कट ऑफ था और जो 2017 का आपका कट ऑफ है और जो 2018 का कट ऑफ आने वाला होगा, ये तो एग्ज़ाम होगा तब इसको हटा ही दे। लेकिन 16 में जितने भी आपको इंटरव्यू पोस्ट के जो कट ऑफ थे, वो जितने हाई लेवल पर गए थे, तो हम लोग ये कह रहे थे क्योंकि एसएससी में जो उस समय का जो कट ऑफ भी था वो भी आप अगर ध्यान दें तो वो आपको 37.5 में था जनरल का कट ऑफ और इस लेवल में था। इस बार आपको 126 था, यानी कि 10 नंबर 11 नंबर पिछले साल से इस बार का कट ऑफ कम हुआ, ये आप सब लोग जानते हैं। देखिए, दूसरी बात ये हुआ कि इस बार हम लोग का मानना ये था कि जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था इंटरव्यू पोस्ट का, उस कट ऑफ में, यानी कि जो लास्ट ईयर का जितने भी कट ऑफ थे 2016 के टाइम में, उस कट ऑफ में आपको अराउंड 20 से 25 मार्क्स कम होने की बात की जा रही थी। मतलब आप मान के चलिए 25, मैंने भी खुद बताया था कि 25 मार्क्स 20 मार्क्स के आसपास आपका कट ऑफ होगा, कम होगा। क्योंकि उसका रीज़न ये था क्योंकि मैथ्स जो कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और मैथ का पेपर इस बार स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं गया था, क्योंकि ऐसा हम लोग मान रहे थे कि मैथ्स का पेपर में इस बार पिछले साल के मुकाबले में अराउंड 20 से 25 और 30 मार्क्स के लेवल पे आपका स्कोर कम आया है। यानी कि जो बच्चे 180 के थे वो 150 के आसपास ही रह गए, और एवरेज स्कोर सामने निकल कर ये आया कि 130 मार्क्स एवरेज स्कोर सामने निकल कर आया। अब आप अगर ध्यान दें कि 130 निकल कर आया, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट ये था कि 2016 का जो इंग्लिश का पेपर था, वो इंग्लिश पेपर में एवरेज स्कोर आपको 140 से लेकर 150 था,
यानी 2000 अगर हम 16 की बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश का एवरेज स्कोर आपको 140 से 150 के बीच में था। लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें यानी कि 2017 की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश का एवरेज स्कोर 150 से 160 मार्क्स के आसपास था। इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस बार का जितना हाईएस्ट स्कोर आपको गया है 190 के आसपास, जितने बहुत सारे स्टूडेंट्स को 190 प्लस में स्कोर थे, यानी कि अगर आप माने तो इस बार इतना स्कोर था, यानी कि 170 प्लस में भी बहुत ऐसे स्कोर थे। यानी कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि मैथ्स और एक तरफ आप देख रहे हैं इंग्लिश, यानी कि मैथ्स में जहां पर 30 मार्क्स के आसपास कम हुआ वहीं इंग्लिश में आपको 15 टू 20 मार्क्स आपके इंक्रीज हो गए। यानी कि ओवरऑल क्या हुआ, ये कितने हो गए, ऊपर से एक मैटर, यानी कि अगर आप 15 टू 20 मार्क्स अगर इंक्रीज होते हैं यानी कि ओवरऑल फ़र्क कितना आया, ओवरऑल फ़र्क आया आपको 10 से 15 मार्क्स का, आपको यहाँ पे फ़र्क आया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क आया तो 20 मार्क्स का, ठीक है। एक और चेंजिंग क्या हो गया कि इस बार क्वेश्चन जितने गलत थे आपको मेंस के पेपर में, वो इतने गलत क्वेश्चन थे कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन, यानी कि अगर टोटल शिफ्ट को मिला दिया जाए, यानी कि जब से 17, 18, 19, 20, 21, 8, 9 जब भी एग्जाम हुए वो सारे क्वेश्चन को मिला दें तो अराउंड 100 क्वेश्चन लोगों के रॉन्ग थे स्टूडेंट्स के। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे शिफ्ट में आपको 10 मार्क्स, 15 मार्क्स और 5 मार्क्स, यानी कि इस मार्क्स के लेवल में अराउंड सबके स्कोर बढ़े हैं। यानी कि एक स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक स्टूडेंट्स का स्कोर 476 था और उसने आपको 496 के आसपास उसका स्कोर बढ़ा, क्योंकि इसने उन क्वेश्चन को भी, जैसे कि अगर आपको 10 मार्क्स बढ़ रहा है, क्योंकि आप ये 10 मार्क्स जो बढ़ा ये सारे स्टूडेंट्स का बढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी मार्क्स बढ़े जो कि अगर वो स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट किया है और उसका तब गलती है और क्वेश्चन गलत था तो उसको ही सिर्फ मार्क्स मिला था। तो इस हिसाब से अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो यानी कि 10 मार्क्स ऐसे थे, यानी कि 10 मार्क्स यहाँ गलत क्वेश्चन होने की वजह से मार्क्स बढ़ा, तो जहाँ पहले 20 मार्क्स का फर्क आ रहा था यहाँ पर आपको 10 मार्क्स का, अब यहाँ पर ये वाला फर्क अगर यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो यानी कि अब ओवरऑल जो है आप अगर टोटल की बात करें तो टोटल में आपको अराउंड ओनली, यानी कि ओनली 10 मार्क्स का ही अब चेंजिंग आ रहा है, यानी 10 मार्क्स का। यानी कि आप इससे क्या समझे, यानी कि ये समझे कि जहाँ पर 2016 और 2017 का जहाँ पे बात हो रहा था, तो हम लोग पहले जहाँ पे जितने भी हम लोग बोले इंटरव्यू पोस्ट में आप 20 टू 25 मार्क्स कम कर दीजिए, 20 मार्क्स कम कर दीजिए, और नॉन इंटरव्यूज में 25 के आसपास कम कर दीजिए। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि हेर फेर रहा है, तो आप इंटरव्यू पोस्ट में, यानी कि इंटरव्यू पोस्ट में जितने भी आपको जितने भी पोस्ट थे 2016 में, जितना उसका कट ऑफ था उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स आप उसमें से कम कर दीजिए, या अगर किसी किसी ऐसे पोस्ट में जहां पे वैकेंसीज कम होंगे उस पोस्ट में जितना लास्ट ईयर का कट ऑफ था उतना ही जाएगा, या उसमें 2 या 3 मार्क्स आपको और इंक्रीज हो जाएगा। बस यही आपका एक जो पूरा एक सर्किल जो अराउंड रेडियस आपको निकल के आ रहा है वो आएगा। उस क्या निकल के आया सामने कि 2016 के कट ऑफ में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका रेंज आएगा, जैसे कि आप अगर 558 मार्क्स अगर इनकम टैक्स का आप देख रहे हैं कट ऑफ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2017 में 553 के अराउंड में आएगा, और नहीं तो अगर सिचुएशन ऐसा रहा तो 560 के आसपास रहेगा। यानी कि ये इस तरीके से आपका बढ़ेगा और इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा, यानी कि घटेगा भी तो इतना ही में घटेगा, या 5 या 7 नंबर, या बढ़ेगा तो आपको 3 से 4 मार्क्स आपका बढ़ेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन घटने का चांस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स उस हिसाब से मार्क्स लाए थे, मतलब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो लास्ट 2016 में ज़्यादा था, नंबर ऑफ 2016 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, लेकिन 2017 में आपको थोड़ा सा कम है, तो इस हिसाब से घटने का चांस ज़्यादा है, तो 5 से 7 मार्क्स ही कम होंगे, और अगर बढ़ते हैं उस सिचुएशन में तो 2 से 3 मार्क्स ही बढ़ेगा। और नॉन इंटरव्यू की जहां तक बात रही तो वो आपको निकल कर सामने आता है 10 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स पिछले साल से कम होगा, और या तो अगर बढ़ेगा भी तो शायद बढ़ने का तो कम ही चांस है नॉन इंटरव्यू में, लेकिन जितना लास्ट ईयर का कट ऑफ था उतना ही आपका जाएगा। तो ये कट ऑफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी भी परेशान है अपने मार्क्स को लेकर कि कितना मार्क्स मेरा आ रहा है, कितना मार्क्स नहीं आ रहा है, किस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। अभी भी पुराने वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि मुझे मेल आ रहा है, फिर जो लोगों का जो मैं देख रहा हूँ सिचुएशन, उस हिसाब से ये चीज़ आपको बताना जरूरी था कि आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देखा हूँ कि 2018 में आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर ये एग्ज़ाम टीयर 4 का अगर अभी तक में ख़त्म हो जाता तो 2018 में कॉम्पिटिशन बहुत कम होता। अब सारे स्टूडेंट्स ऐसा होगा, अब इसे किसी को मार्क्स अगर अच्छा आया हुआ भी है, किसी को अच्छा आया हुआ, लेकिन उसको डर ये लग रहा है कि जितना पिछले से कि 558 कट ऑफ गया और ये कहीं मार्क्स कट ऑफ बढ़कर 560
68 या 570 के पास चला जाएगा तो मेरा ये पोस्ट नहीं मिलेगा, वो वापस से 2018 के लिए अप्लाई किए होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको तो एक तरह का वो पोस्ट के लिए जीने लगते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको बढ़ने वाला है, लेकिन मैं आपको इसीलिए आपके डाउट्स के क्लियरिंग के लिए मैं बता दिया हूँ कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसका PDF डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा जो वो पेज पे दिया होगा, और उसमें से आप जिस हिसाब से कम करना होगा आप कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये आपके डाउट्स से रिलेटेड जो कि आप बोल रहे थे कि मार्क्स कितना आएगा, कट ऑफ मेंस का कितना जाएगा, टीयर 4 का एग्जाम होगा नहीं होगा, ये सब से रिलेटेड मैं आपके साथ वीडियो यहाँ पर डिस्कशन किया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको कुछ फिर भी कुछ अगर आपको डाउट्स अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, फिर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैं सोच लिया था कि कट ऑफ से रिलेटेड अब कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके डाउट्स ही इतने थे कि मुझे बनाना पड़ा। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।